हेलो, नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है। अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फ्री नोट्स पीडीएफ में और करंट अफेयर्स वगैरह सारी आपको मिलती रहेगी, और स्टडी भी आपको करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दूसरे चैनल का लिंक है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, और खबर ये कि जैसा हम पिछले काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती कहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट एक विश्वास दिलाती है कि वैकेंसीज आने वाली है, वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके लिए कल हमारी जो मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में बात सिर्फ वो ये नहीं कि वैकेंसीज, इसके बाद बात जो एज को लेकर भी होगी, हमारे जो साथी हैं लाइब्रेरियन वाले, या इसके बाद जो हमारे साथी हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी हमारी बात होगी, क्योंकि वो साथी भी काफी टाइम से परेशान है कि वैकेंसीज कब आएंगी। तो उसके रिगार्डिंग भी हमारी मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग को हमारे जो साथी हैं प्रदीप कौशिक सर हैं, और जो हमारे ललित जी हैं, मैं हूँ, और भी जो हमारे साथी हैं वो डिस्कशन करेंगे। और अब की बार आर्या पार का सिस्टम होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट हमें पागल बनाती जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों के साथ इतना गलत हो रहा है, अब हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अब जो हमारी लड़ाई होगी आर पार की लड़ाई होगी, अब हमें हमारा हक चाहिए, और सारी चीजें देखो शांतिपूर्ण ढंग से होंगी, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से अध्यापकों के साथ, मतलब अध्यापक ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि एक भीख जैसे जॉब मांग रहा है ना, भीख मांगने जैसा सिस्टम हो गया है। मेहनत करे, पढ़े लिखे, और इसके बावजूद कुछ ऐसे नेता जिनका एजुकेशन लेवल इतना नहीं है, लेकिन उन अध्यापकों को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। और अब ये चीजें देखो साथियों, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं, ताकत लड़के नहीं दिखाई जाती, शांतिपूर्ण ढंग से भी दिखाई जाती है। अगर हम सब साथ चलें, 1 से 11 हो सकते हैं, 1000 से 10000 हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप जॉब चाहते हैं तो घर से बाहर आइए, अगर आप जॉब नहीं चाहते तो भूल जाइए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो भूल जाइए कि कोई आपकी जॉब लगेगी। और हम कितने टाइम से देखते आ रहे हैं, हमें विश्वास दिलाया जाता है वैकेंसीज तब आएंगी, तब आएंगी, कब आएंगी वैकेंसीज? हमें भी इतना दुख होता है कि क्या बताएं, 20 तारीख को आएगी वैकेंसीज, कितने तारीख को वैकेंसीज आएंगे? उसके बावजूद फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कैसी कैसी पॉलिसीज, सिर्फ अध्यापकों के साथ ऐसा होता है। जिसे राष्ट्रीय निर्माता कहा जाता है ना, आज के समय में वो अपना पेट नहीं पाल सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उसकी लगेगी नहीं, प्राइवेट जॉब में उसका शोषण होता है, 2-4 हजार रुपये। एक मजदूर उसको भी 10-15 हजार रुपये मिल जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक को 2-3 हजार रुपये। और उस अध्यापक के साथ कितना गलत हो रहा है, इस पे कोई विचार नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें ना, पॉलिटिक्स हमारे देश में, डर्टी पॉलिटिक्स, ये सबसे गंदी चीज है, और इसको अब हम सहन नहीं करेंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो कमेंट करके बता दीजिए अगर आप साथ हैं, नहीं तो आप भूल जाइए। और हम लोग भी देखो, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप साथ नहीं आ सकते, सबसे पहले हम मीटिंग कर रहे हैं कल, आपको बताया जाएगा आगे क्या होगा। अशोक अग्रवाल सर से भी हम बात करेंगे, अगर कुछ नहीं होता है तो अब आर्य पार, चाहे हमें धरना करना पड़े, हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, अब हम उठेंगे नहीं। और अगर आप साथ आते हैं तो ठीक है, अगर आप साथ नहीं आते हैं, हमें उम्मीद है कि आप साथ आएंगे, अगर आप साथ नहीं आते हैं तो चैनल उसी दिन बंद हो जाएगा। अगर कुछ हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है, चैनल उसी दिन बंद हो जाएगा। क्योंकि चैनल का मकसद ये नहीं है कि हमें अर्निंग करनी है, सबसे पहले बात होती है हक की लड़ाई। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, टीचर्स के साथ गलत होता रहेगा, हम वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारा हक चाहिए, टीचर्स का हक चाहिए। साथियों, इतना गंदा सिस्टम है देश के अंदर, राजधानी के अंदर, एज जो अदर स्टेट्स में कितनी कितनी एज है, क्या लीडर्स के लिए कोई एज नहीं है? 70-70 साल के लीडर्स मिल जाएंगे,
बताइए, देश को चला सकते हैं लीडर्स, लेकिन एक जो टीचर है 32 साल का, 35 साल का, जो वो टीचर बनने लायक नहीं है, उसकी एज हो गई, बताइए कहाँ का सिस्टम है। वेरी गुड। बहुत सारे हमारे साथी भी हैं जो कमेंट करके, उनका सिस्टम ये होता है फालतू बोलना, बड़ा दुख होता है देख के। उनको लगता है कि दूसरे पागल बना रहे हैं। भाई साहब, पागल हम नहीं बना रहे, हम आपस में पागल बन रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे की कमी निकाल सकते हैं। हम कभी आगे जाना ही नहीं चाहते, हम कभी आवाज उठाना ही नहीं चाहते। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, कमेंट कर देंगे। क्या क्या सोचते हो आप लोग? यही ताकत सही डायरेक्शन में निकाल के दिखाओ, यही ताकत सही डायरेक्शन में यूज करनी है, फिर देखो क्या होता है। मुझसे फालतू बोल के या मैं आपसे फालतू बोलूं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब समय है कि आगे आना है। जो आगे आना चाहता है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।